नमस्कार, आप बिहारी न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। हमारा देश संस्कृति, भाषा और आस्था का गढ़ माना जाता है और हम भारतीय इस पर खूब गर्व भी करते हैं। हमारे देश का यही तो खूबसूरती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मिथिला और मैथिल के बारे में। हमारा देश संस्कृति, भाषा और आस्था का गढ़ माना जाता है और हम भारतीय इस पर खूब गर्व भी करते हैं। हमारे देश की शायद यही खूबसूरती है जो विदेशों से भी लोगों को हमारे तरफ खींच आती है। हमारे देश में कई ऐसे जगह हैं जो अपने USP की वजह से जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है मिथिला, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मिथिला और मैथिल के बारे में। मिथिला ना कोई देश, ना कोई राज्य और ना कोई ज़िला है, तो आखिर ये मिथिला है क्या? मिथिला प्राचीन भारत का एक राज्य रहा है। मिथिला वर्तमान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें बिहार के तरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोशी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल झारखंड के साथ साथ तराई क्षेत्र के कुछ भाग भी शामिल हैं। लोग ये कहते हैं कि जहां मैथिली भाषी बोली जाती है बस वही मिथिला रहते हैं। जहां सीता का जन्म हुआ वो मिथिला है। लेकिन ये मिथिला बस माँ सीता तक ही सीमित नहीं है, इसका इतिहास बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा है। मिथिला जो अपनी बौद्धिक परंपरा के लिए भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जाना जाता रहा है। इस इलाके की प्रमुख भाषा मैथिली है। धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले इसका उल्लेख रामायण में मिलता है। बिहार नेपाल सीमा पर तिरहुत का प्रदेश, जो कोशी और गंडकी नदियों के बीच में स्थित है, इस प्रदेश की प्राचीन राजधानी जनकपुर में थी। मिथिला का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराण, जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में भी हुआ है। रामायण काल में सीता के पिता जनक को इसी प्रदेश का राजा बताया गया है। मिथिला जनकपुर को भी कहते हैं। जनकपुर नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहाँ के प्रसिद्ध राजा जनक थे, जो सीता माता के पिता थे। ये शहर भगवान राम का ससुराल के रूप में भी विख्यात है। इसी मिथिला में बिहार का लाल किला भी है। ये किला 1933 में महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो दरभंगा में स्थित है। मुगल किलबंदी के तर्ज पर इसे बनाया गया, जिसमें बड़े बड़े विशाल मैदान और बागीचे भी हैं। कामेश्वर सिंह को दरभंगा महाराज के नाम से जाना जाता है। मिथिला अपने कला के लिए भी प्रख्यात है, जिसमें सबसे ऊपर मिथिला पेंटिंग का नाम आता है। भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में ये प्रचलित है। ये पारंपरिक रूप से मिथिला क्षेत्र के विभिन्न समुदाय में महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसका नाम मधुबनी जिले के तर्ज पर रखा गया, जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई थी। दीवार कला के रूप में ये पेंटिंग पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित है। बता दें कि इस पेंटिंग का कागज और कैनवस पर हालिया विकास भी हुआ है। मधुबनी और मधुबनी के आसपास के गांव में भी महिलाएं इसे बनाती हुई नजर आती है। वहीं पाग पहनाना मिथिला का परंपरा है, जो मैथिल लोगों के द्वारा पहनाया जाता है। ये सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है, जो मैथिल संस्कृति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रखता है। मिथिला का नृत्य झिझिया भी भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में एक सांस्कृतिक नृत्य के तौर पर जाना जाता है। झिझिया दशहरा के समय देवी दुर्गा भैरवी के समर्पण के लिए किया जाता है। झिझिया करते समय महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को रखती है और ये देखते ही बनता है। मिथिला में कुछ खास पारंपरिक मिथिला व्यंजन भी है, जैसे दही चूड़ा, घुघनी, तिलकोरी, तरुआ, बड़ी, माछो, पिड़किया, मखान, प्यासी, अनानस और बगिया। कई ग्रंथ में गंगा से लेकर के हिमालय के बीच स्थित मिथिला में मुख्य 15 नदियों को स्थित भी माना गया है, और उन नामों को गिनाए जाने में जो नाम सामने आए हैं वो महानंदा, गंडक, बागमती, कमला बलान और बूढ़ी गंडक शामिल हैं। वर्तमान में नेपाल के तराई प्रदेश के साथ साथ बिहार राज्य में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जिले शामिल हैं। वहीं बंगाल आरंभ होने से पहले ये पूरा पूर्वी बिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार भी मिथिलांचल जिले का ही हिस्सा माना गया है। बता दें कि मिथिला राज्य में मिथिला के राजाओं को भी विशेष प्रसिद्धि मिली, जिनमें कपिलेश्वर, कुपेश्वर, कल्याणेश्वर, जलेश्वर, जिलाधिनाथ, मिथिलेश्वर महादेव, भैरव के नाम शामिल हैं।